दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक। दोस्तों आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज जो आज मेरे स्टार हैं, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पीजी के सबसे बड़े, जी हाँ, नंबर वन प्रमोटर जी। काफी सारे इवेंट्स, काफी सारे शोज करवाने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ हमारे अपने युगेश जी से। स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार वरुण। फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। शुक्रिया आपका के बुलाया मुझे यहाँ पर और बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी। थैंक यू ब्रदर। मस्ट आई वांट टू से कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और हमेशा ही आपका आशीर्वाद वाला हाथ हम अपने सर पे रहना चाहते हैं क्योंकि इस तरीके से आप ज़्यादा क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा सिखाया कि किस तरीके से What's your last shoot? It was good. Cool, I said. Oh, daddy. मेरे को तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा अब। आप जाएं मैं संभाल लूँगी। Are you sure? Yeah. Thank you so much. Aryan. I need your help, man. थोड़ी देर कैमरा संभालना प्लीज। सर मुझे अभी शूट छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी माँ आ रही हैं इंडिया से, तो उनकी फ़्लाइट एक्चुअली एक घंटा पहले आ रही है, तो मुझे उन्हें एयरपोर्ट पिक करने जाना है। जाना है तो जाना है, क्या कर सकते हैं। जाओ भाई, किसी और को अपनी पोजीशन पे भेज दो। पक्का सर?
चलते हैं, ऑलरेडी लेट है। वैसे आज खुश बहुत होंगी मेरी माँ। वो क्यों? इतनी सुंदर बहू जुला के दे रहा हूँ मैं। अच्छा जी। जी। बटरिंग बड़ी हो रही है आजकल, क्या है बात है? बटरिंग सब सच तो है। अच्छा जी। उन्हें पता तो लगे कि कहां से पंजाब के किसी कोने से उनके लिए एक बहू ढूंढ के लाया हूँ मैं। मेरे को इतनी नर्वस हो रही है ना कि पता नहीं फर्स्ट टाइम मैं उनको मिल रही हूँ कैसा रिएक्ट करूँ। नर्वस होने की बात नहीं है, तू सब समझ जाएगी। वैसे तुम्हें ढोकला बनाना आता है? बनाना तो नहीं आता, पंजाबी खाना सारा आता है। चलो वैसे खा दूंगा तुम्हें। पक्का? पक्का, जरूरी है। मम्मी को ढोकला बहुत पसंद है, गुजराती जो है। मैं जरूर सीखूंगी फिर तो। तुम्हारे मम्मी पापा कब आ रहे हैं? मेरे मम्मी पापा नेक्स्ट ईयर आ रही है। नाइस, तो फिर तुम मुझे बटर चिकन बनाना सिखा देना। भाई उन्हें इंप्रेस जो करना है। चलो ठीक है। आपके डन। आप मेरे को ग्लास खाना, मैं आपको बटर चिकन बनाना सिखाता हूँ। सोचा था समय बदल जाएगा, ये कहाँ सोचा था, कहाँ सोचा था, कहाँ सोचा था, जिंदगी फिर से जी जाएगी, ये कहाँ सोचा था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपके पास फोन होगा? मेरे बेटे ने मुझे लेने आना था, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ है नंबर तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, एक मिनट दीजिए। हाँ जी, आदि स्पीकिंग। आदि, मैं एयरपोर्ट पे आपके मामा के साथ खड़ा हुआ हूँ, तो जरा आप उनसे बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, आप मेरी बात उनसे करवा दीजिए प्लीज। हाँ ये लीजिए। आदि। हाँ माँ। कहाँ है बेटा? अरे आ रहा हूँ ना माँ, आपकी फ्लाइट एक घंटा पहले आ गई है, और आप एक काम करना, पार्किंग में ही खड़े रहना, वहाँ से निकलना मत। अच्छा। बिल्कुल हिलना मत, नहीं तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाप रे, थैंक गॉड उन्हें कोई ऐसी रास्ते में मिल गया, नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, बिना फोन के ऐसे है ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। पहली बार आई हैं ऑस्ट्रेलिया, और मैं उन्हें टाइम पे लेने भी नहीं जा पाया। चलो कोई बात नहीं, आपकी थोड़ी गलती है। प्लीज़ आप अपनी गाड़ी को आगे से हटाइए, मुझे अपनी मम्मी को एयरपोर्ट पिक करने जाना है, और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। ऐसे कैसे जाने दूँ, तुमने मेरी कार को पीछे से मारा है।
मेरी गाड़ी को पीछे से उन्होंने ठोका, इस वजह से फिर आपकी गाड़ी को ठोका। बाहर ले, बाहर ले। सारा फॉल्ट इनका है। तुम नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को कॉल करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं लगता हूँ यहाँ से जल्दी निकलते। कोई काम करो, ये ले फोन, एंडी को फोन लगा, वो एयरपोर्ट के पास ही रहता है, तो वो मम्मा को एयरपोर्ट से पिक करके और बगल वाले अंकल के घर छोड़ देगा। ठीक है। अच्छा सुन, एंडी को मम्मा की फोटो भी भेज देना। हाँ सुन 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 सुन, राज अंकल को भी फोन कर देना कि एंडी मम्मा को लेके उनके घर पहुंचने वाला है। पिक अप द कॉल एंडी। हां दी। हां एंडी, मैं ना सिमरन बोल रही हूं। हां सिमरन। हां मैं और आदि ना आदि के मम्मा को एयरपोर्ट से लेने जा रहे थे। ओके। और रास्ते में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? तुम ठीक हो? तुम और आदि ठीक हो? एंडी हम दोनों ठीक हैं। मैंने बस इसलिए फोन किया था कि तुम ना जाके ना आंटी को पिक कर लाओ, वो ना पार्किंग में खड़ी हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी। हाँ, मैं ना उनकी फोटो सेंड कर देती हूँ तुम्हें, क्योंकि उनका फोन डेड हो गया है। ठीक है, डोंट वरी, मैं जाता हूँ। हाँ, और तुम लेके ना उनको प्लीज सीधा अंकल के घर चले जाना। कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, मैं जा रहा हूँ। हम वहीं आते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय। चलो अब ना अंकल को फोन लगा लेती हूँ। हेलो अंकल, मैं ना सिमरन बोल रही हूँ। हाँ सिमरन, क्या हाल है बेटा तुम्हारा? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आदि भी ठीक है। वो ना मैंने ये बताना था कि मैं और आदि एयरपोर्ट पे जा रहे थे और हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तुम लोग ठीक हो ना? हाँ अंकल हम दोनों ठीक हैं, बस मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आदि के मम्मा ना एंडी लेने गया है, वो सीधे आपके घर लेके आ जाएगा, तो प्लीज अंकल जी टेक केयर कर लेना उनकी। हाँ मैं देख लूँगा, उनको देख लूँगा, जब वो आएंगे ना मैं देख लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। नमस्ते आंटी, आप आदि की मम्मी हैं? हाँ। मैं एंडी, आदि का दोस्त। अच्छा, आदि कुछ कह तो रहा था कि तुम लेने आओगे मुझे। तो मैं आ गया, आदि थोड़ा बिजी था तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको पिकअप करूँ एयरपोर्ट से, तो मैं आ गया। चलो चलो। आया क्यों नहीं? वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, आप पहले सामान रखें गाड़ी में, फिर आपको रास्ते में बताता हूँ। चलो इधर चले।
कैसा रहा आपका सफर? ठीक था पर वेरी टायरिंग. ऑफ कोर्स होना ही है, इतनी लंबी फ्लाइट जो पकड़ी है तो थकावट तो होनी ही बनती है. जेट लैग भी होगा, अभी देखना आप सुबह उठेंगे तो आपको चक्कर आने वाले हैं. हाँ, कुछ नहीं, घर जाना, आराम से खाना वाना खाना, आदि से मिलना और चुपचाप सो जाने का. तो फिर तूने बताया नहीं आदि क्यों नहीं आया? आदि का हो गया एक्सीडेंट. तुम राज हो ना? मझधार में हम थे खड़े, दिल के समंदर का कोई किनारा नहीं था. सभी ख्वाहिशें भी हैरान थी, खुदा से जो मांगा वो पाया कभी भी नहीं था. सोनी सोनी रातों को तूने रोशन किया, जिंदगी की राहों को मंजिलों तक पहुंचा दिया. सोचा था